नमस्कार मैम। और बढ़िया प्रिंसी कनक, हाय, अच्छा आ गई है कनक। मैं तो तेरा नाम ही भूल जाती हूँ बेटा। मैं बोल रही थी प्रिंसी, प्रिंसी बोल रही थी मैं आज भी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रणाम, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सुबह के बजे हैं 8 और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरा। तो गाइस बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सगुन चले गई है, उसके पापा छोड़ने गए हैं और राज भी रेडी हो चुका है, आज दोनों ही जा रहे हैं स्कूल। तो गाइस मैंने इनका टिफिन विफिन पैक कर दिया है, अब मैं पी रही हूँ चाय। सुबह सुबह नहा धो के ना चाय पीने का मन करता है, पर पीने को मिलती ही नहीं है सुबह सुबह। बच्चों को तैयार करना होता है और क्या कहते हैं, कोई स्कूल टिफिन विफिन पैक करना होता है, तो अब आता है मेरा नंबर चाय पीने का जब ये लोग चले जाते हैं। अभी राज गया नहीं, आजकल रास्ता बहुत खराब हो रहा है, रास्ते बीच में रोड खराब हो रही है, तो पहले सगुन को छोड़ के आएंगे, फिर उसके बाद राज को छोड़ने जाएंगे। इसके दोस्त भी जाते हैं ना आजकल, तब ये भी जा रहा है, नहीं तो ये चला जाता था, मेट्रो से जाता था। तो गाइस दिन के बज गए हैं 12:30 और मेरा काम अभी भी कंप्लीट हो रखा है। तो प्रिंसी के पापा का फ़ोन आ रखा है कि प्रिंसी को स्कूल से ले आओ, मैं काम से कहीं और जगह चला गया हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ स्कूल लेने उसको। तो गाइस मैं लेट हो चुकी हूँ आ गई स्कूल के पास। नमस्कार मैम। और बढ़िया प्रिंसी कनक, हाय, अच्छा आ गई है कनक। मैं तो तेरा नाम ही भूल जाती हूँ बेटा। मैं बोल रही थी प्रिंसी, प्रिंसी बोल रही थी मैं आज भी है। बता तेरे स्कूल में दूसरा नाम क्यों है? मैं रोज भूल जाती हूँ तेरा नाम। मैं हाँ तो मैं बोलने लग गई थी प्रिंसी, बोलने लग गई थी मैं, तो इतने में मैम समझ गई तू कनक को लेने आई है, तो फिर कनक को भेज दिया। पता है इनको, ये देखा जाए यहाँ पे मंदिर भी है, मनोकामना मंदिर। क्या कह रही हाँ मैम को पता ही चल गया है कि ये रोज यही लेने आती हूँ, है ना? या तो तेरे पापा लेने आते हैं, या मैं लेने आती हूँ, और या मम्मी लेने आती है। प्रिंसी को चाहिए होती है चीज, इसने ले ली है, और हाँ बहुत ले ली इसने। अच्छा पिंक, पिंक पर्पल ही चाहिए था तेरे को? अच्छा चल, पर्पल कहाँ से आया? पिंक ले लिया ना दुकान से? हाँ चलो अब आ गए हम अपनी गली में। तो गाइस दिन के बज गए हैं 1:30, आज आई तरह तो प्रिंसी आ रखी है हमारे घर पे, इसको स्कूल से लेते मैं अपने घर पे ले आई हूँ, और बाद में जाएगी अपने घर पे, इसके पापा आएंगे फिर लेने इसको। तू कल लेना कलर, मेरे पास नहीं है कलर। कर लो फिर, कर लो। तो गाइस मैं बनाऊंगी लंच, आज लंच में बनाने वाली हूँ मैं कड़ी, पीली दाल नहीं, रोज रोज पीली दाल थोड़ी खाते हैं, कड़ी कड़ी पकोड़ा, कड़े पकोड़ा अच्छा लगते हैं, खा के देखना कितने मस्त होते हैं। कड़ी पकोड़ा खाएगी, पिंचो कड़ी पकोड़ा खाएगी। हाँ तो कर ले कलर। तो गाइस मैं बनाती हूँ अब। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ किचन में, और मैं सिंपल तरीके से जल्दी बनाने वाली कड़ी आप लोगों को शेयर करूंगी। देखना बेसन ले चुकी हूँ मैं, बेसन ले रखा है मैंने, और 5 मिनट हो गए उसको भिगोए हुए, और बेसन के बनाऊंगी पकोड़े।
इसको बनाऊंगी वैसे। तो गाइस मैंने कढ़ी बनाने के लिए दो कढ़ाई यूज कर रही हूँ मैं, ये देखना। इसमें मैं कढ़ी बनाऊंगी, इसमें भी डाल दिया मैंने ऑयल, और इसमें बनाऊंगी मैं पकोड़े। इसमें डालती हूँ थोड़ा ज्यादा ऑयल, देखना इसमें थोड़ा ज्यादा डाल दिया मैंने। और ये गर्म हो रहा है, जब तक ये वाला तेल हमारा जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये कढ़ाई छोटी भी है और हल्की भी है। तो गाइस देखना तेल हो चुका है गरम, और ये ले रखे मैंने मेथी दाना और प्याज। तो ये डाल दिया मैंने मेथी दाना इसमें, और ये तड़क गया है। अब ये डाल दूंगी प्याज, कढ़ी बनाने के लिए ना हल्की कढ़ाई ही अच्छी रहती है, तो मैंने हल्की कढ़ाई ले रखी है कढ़ी बनाने के लिए। और प्याज को ना मैं ज्यादा फ्राई नहीं करूंगी, ऐसे हल्का ही करूंगी, हल्का हल्का फ्राई हो चुका है ये। और अब इसमें डालूंगी मैं कड़ी पत्ता, ये देखना मैं कड़ी पत्ता लेके आई थी, ये मैंने धो के रख दिया है, पानी निखर गया। अब ऐड कर दिए मैंने इसमें कड़ी पत्ते, अब ऐड करूंगी मैं इसमें आटा, इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हो तुम। और मैं आटा करूंगी, कहते हैं आटे से ना कढ़ी गर्म रहती है, और क्या कहते हैं बेसन से ठंडी पड़ जाती है कढ़ी। तो अभी सर्दी है तो मैं आटा यूज करूंगी इसमें, इसको भून लूंगी ढंग से। देखना आटा भून चुका है ये अच्छे से, और अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं ये जो मैंने मिक्स कर रखा है छाछ, इसको सारा ऐड कर दूंगी। इसको धीरे धीरे ऐड करना ताकि इसमें कोई लम्स ना आए आटे के। ये देखना पकोड़े हो चुके हैं, इनको निकाल दूंगी, निकाल के मैं सीधा इसी में डाल दूंगी इनको। देखना इसमें डाल दिए मैंने, और इसमें पकोड़े डालती हूँ। अब इनको ना ज्यादा छोटे बनाती हूँ, वो बड़े बड़े हो गए थे, तेते से बनाती हूँ। देखना गाइस दोबारा भी बन चुके हैं ये, और इनको भी डाल देती हूँ कढ़ी में। देखना कड़ी हो चुकी है ये,
तो गाइस मैंने कढ़ी बना दी है और मेरा आ रखा है थोड़ा सिलाई का काम, मैं तब तक उसको करती हूँ। चावल तब बनाऊंगी जब सगुन और सगुन के पापा का आने का टाइम होएगा ना, तभी बनाऊंगी चावल गरम गरम। तब तक काम कर लेती हूँ। प्रिंसी उस कमरे में बैठ के टीवी देख रही है और मैं इस कमरे में कर सकती काम। तो गाइस दिन के बज गए हैं 2:45, सगुन आ चुकी है और राज को लेने उसके पापा फिर से चले गए। मैंने खाना बना दिया था, बस चावल में सीटी आना रह गई थी, थोड़ा सीटी नहीं आ रखी थी ढंग से उसमें, तो उसके पापा खाना छोड़ के चले गए। कह रहे मतलब पहले राज को ले आता हूँ उसके बाद आराम से खाना खाता हूँ, तो अभी खाना नहीं खाया हम लोगों ने। मैं सिलाई पे बैठ गई थी ना थोड़ा, इस वजह से थोड़ा लेट हो गए। तो अब वो पहुँचने वाले होंगे, आज का खाना हमारा लेट हो गया, लंच 3 बजे तक खाएंगे आज। अभी तो 3:45 बजे उसकी छुट्टी होती है राज की, और ऐसे ही मतलब 15-20 मिनट उनको आने में लगेंगे, तो फिर आके सीधा सीधा तो खाएंगे नहीं, वो 3:30 बजे तक खाएंगे आज हम खाना। और प्रिंसी भी चले गए अपने घर को, उसने जाना है रात को शादी में, उसके पापा लेके गए उसको, वो जाने के लिए ही तैयार नहीं थी, कह रही तब भी शादी छोड़ देती हूँ और यही रहूँगी। मैंने कहा जा पहले पार्टी में जा, फिर कल लेके आऊँगी तेरे को। ये देखना गाइज, ये हो चुके हैं 1 हफ्ते के लहसुन, इतने बड़े हो गए हैं, 1 हफ्ता हो गया होगा इनको लगाए हुए। देखना प्याज भी अच्छा सा हो गया ही, और हरी सब्जी तो हो ही रही है अच्छी सी, ये देखना कितनी अच्छी हो रही है हरी सब्जी। 2-3 गमले में लगा देती ना, 1 सब्जी हो ही जाती। तो गाइस अब करते हैं लंच, 3:30 हो चुके हैं, राज भी आ चुका है घर पे, अब कढ़ी चावल का मजा लेते हैं। तो गाइस दिन का खाना हो चुका है और इनका मन ना कुछ ऐसे खाने का कर रहा है, भुनी हुई चीज, और मैं भून रही हूँ देखना भट्ट, काले सोयाबीन और क्या कहते हैं व्हाइट वाले सोयाबीन, इनको भून रही हूँ मैं। तो गाइस रात के बज गए हैं 8 और अब हो रही है डिनर की तैयारी। ये देखना मैंने मेथी बिन के रखी थी ना कल, वो बना रही हूँ आज, आलू और मेथी बना रही हूँ। मेरे सर में दर्द जैसी हो रही थी, मैं लेटी हुई थी अभी तक, और फिर चाय पी अभी हमने, अब चाय पी के अब डिनर की तैयारी करती हूँ। पानी गर्म करने रखा है मैंने, मैंने धोया नहीं ना आज दिन में, बाकी दिन तो मैं दिन में ही धो के रख देती थी और आज मैंने धोया नहीं है, तो मैंने पानी गर्म करने लगा रखा है, अभी गर्म पानी से धोऊंगी, ठंड लग रही है मेरे को, जुकाम हो रखा है। तो गाइज मैंने आलू मेथी की सब्जी चढ़ा दी है, और ये देखना गाइज ये गोहत की दाल मैंने कल से भिगो रखी है, और कल भिगोई मैंने, सुबह भिगोई थी कि शाम के नाश्ते में खाएंगे हम इसको चिल्ले बना के, तो शाम के नाश्ते में इसके पापा घर पे नहीं थे तो उनके वजह से नहीं खाए, और सुबह बच्चे स्कूल चले गए इनके वजह से नहीं खाए, और अभी शाम को मैं भूल ही गई इनको बनाने के लिए, अब याद आ रही है मुझे, अब रोटी बनाने के साथ साथ ही इनको भी बना दूंगी। 2 दिन हो गए इनको ऐसे ही भीगे हुए। तो भाई जब सब्जी बन रही है तब तक रोटी भी बना देती हूँ, आटा गूंथती हूँ और इनको भी बनाती हूँ, अब चिल्ले भी बना लेती हूँ। तो गाइज खाना पीना हो चुका है और रात के बज गए हैं 10:30, और अब मेरा दूध गर्म हो रहा है, तो अब दूध लेके जाऊंगी। मौसम तो आजकल ठीक ही हो रहा है, मतलब मैं सुबह शाम की ठंड रह गई है, शाम के टाइम में बहुत ठंड हो रही है, सुबह इतनी ठंड हो रही है जितनी शाम के। गाइस दूध भी गर्म हो गया है, तो अब मैं वीडियो को करूंगी एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत,
तो कल फिर मिलूंगी आप लोगों को नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।